तो गाइस ये है हमारी सरगी। तो अभी हम लोग खाना स्टार्ट कर रहे हैं। खाना जैसे इसको सरगी बोलते हैं ना। क्या है? आप कंफर्टेबल रहो। मैंने पैरों में मेहंदी लगाई है पहली बार लाइफ में। तो गाइस ये हम करवेले के आए थे। ये अभी ही ये आपको स्टोरी रूप बताएगी क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो अभी ब्लॉग की ओपनिंग हमेशा की तरह मैं ही ले रही हूँ। हमारा करवा चौथ का आपको लोगों को पता ही है कि सीरीज चल रही है। अभी हम लोगों ने मेहंदी वगैरह लगाई है पैरों में, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। पहले मैं ये दिखाती हूँ रूप भी कुछ कर रही है। हमारे पास कुछ क्लाइंट्स भी आ रहे हैं मेहंदी के लिए, नेल्स के लिए अभी भी कोई आए हैं। तो ये रूप लगा रही है नेल्स और ऐसे हम इनको दी बोलते हैं, लेकिन जिन लोगों ने मूवी देखी है उनमें इन्होंने रूप की मम्मी का एक्ट किया है। सो एक्चुअल में ये रूप की मम्मी बने थे, वैसे हम इनको दी बोलते हैं रियल लाइफ में, और रियल लाइफ में ये रूप की मम्मी बने थे। तो ये रूप इनका नेल आर्ट कर रही है, अभी मेहंदी भी लगाई है। इसके हाथों में देखो कितनी डार्क हो गई है। ये हमने कल लगाई थी, आज भी हम लगाएंगे। देख मेहंदी भी उतर रही है, ये देख इसके ऊपर लगी थी। हाँ दी, बाद में भी दिखाएंगे आपके नेल्स कैसे लग रहे हैं। और जिन लोगों ने हमारी मूवी नहीं देखी वो जाके मूवी देखो। आप भी प्रमोशन कर दो थोड़ी, आप भी हमारी मूवी देखना प्लीज। हाँ, सनी फैमिली व्लॉग्स पे हमने अपनी मूवी डाल लिया। जो लोग जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दो, हमारी लव स्टोरी के ऊपर है। आप हंसते क्यों अपनी मम्मा पे जब उसके माँ आपके मम्मा को कुछ बोलते हैं बोलने के लिए? पता कितना अच्छा एक्ट किया उन्होंने मूवी में। हाँ देखना, आने वाले समय में ना इसकी रियल मम्मा बनूंगी मैं और इनके साथ ही रहूंगी। रियल मम्मा का ऐसे क्या हमारे सास बन जाएगी? ऐसा मत करो, कितने रिश्ते खराब हो गए। अंजी अंजी ये पता क्या बोल रही है उसको? कहती आप ना हमारे घर में रोज आ जाया करो, मेरे पापा बोल रहे हैं मैं आपको चीज जीत लाया करूंगा, मेरे साथ खेलने आया करो। रोज बुलाए उनको जाना, मेरे पैर तो दिखा दो। छोटे भी हैं। क्या है? आप कंफर्टेबल रहो। मैंने पैरों पर मेहंदी लगाई है पहली बार लाइफ में। अब उड़ दे फिर। कितने अच्छे लग रहे हैं ना? और हाँ लग रहे अच्छे। नहीं ये वाले पे आज लगाऊंगी, ये वाले पे लगा दी है, पूरी यहाँ तक लगाई है पीछे तक। चलो भैया, राधा ने ना बाहर ना सामान रख दिया, बेचारी के पास कोई खेलने नहीं आ रहा। कोई नहीं खेल रहा आज। कहाँ पड़ा तेरा सामान? दिखा मेरा बच्चा। ये देखो राधा ने अपने सारे टॉयज बेचारी ने यहाँ रखे हुए। कहते मेरे साथ कोई खेलने नहीं आता। मैं कहा उनको बोलो कि पापा चीजी खिलाया करेंगे, मेरे साथ खेलने आया करो, तभी वो उनको बोलने गई फिर। चलो भैया राधा। हाँ जी, ये ना इतने अच्छे अच्छे वर्ड सीख रही है, शायद इसकी मैम अभी इसको पूरी ऐसे स्टोरी नहीं होती इंग्लिश में, पूरी स्टोरी रीड करवाने लग गया, जबकि ये प्री नर्सरी में है अभी। तो कल मैं यहाँ बैठी हुई थी, ये आई मेरे पास बड़ी उदास से थी, आके बोलती मम्मा आई एम सैड। पहले तो मेरे को समझ नहीं आया क्या बोल रही है। दो दिन बाद इसने बोला मम्मा आई एम सैड, आई एम सैड। मैंने इसको पूछा क्या बोल रही है, कहती मैं ना उदास हूँ, आई एम सैड। मेरे को फिर समझ आया मैं, अच्छा आई एम सैड। ये हमारा प्री नर्सरी का स्टूडेंट है। स्टूडेंट तो मेरा तो बच्चा है, आज मेरी जन्नत है ये। चल खेले। चलो खिलौने रख दो इसके ऊपर। अब राधा जी खेलेंगे। मेरी चाय पकड़ना प्लीज। ये राधा के एक ये भरा हुआ है और बेड के नीचे ऊपर ऐसे बहुत बिखरे पड़े। रूप मेरे को कब से बोल रही है मुझे ये छील कर दो, छील कर। मानसी कहती तू इधर दे, मैं दिखाती हूँ जी कैसे छीला जाता है। रूप कब से लगी है छीलने में? और क्या, ये देख निकाल दिया उसका मुंह सारा। ये करती रही है ऐसे पैरों। हाँ, हमारे कंजक पूछते हैं नराते ये वो है। वो पूजा पाजा बहुत करते हैं वहाँ पे इनके गाँव में। तू नारियल ही छीलती रही है, अगला बिजनेस आप जल्द करेंगे फिर तेरे लिए। बाकी तो चलो बाकी तो चलो ना, ऐसी बात नहीं करनी गंदी बात। मैं दिल लगा लगा के मेरे गुंडे टूटने लग गए, क्या टूटने लग गए गुंडे गुंडे। निकाल दिए थे अंगूठे। कितनी स्पीड में, तो मैं भी नहीं निकाल सकता क्योंकि ये वाले तरीके थोड़ी मेरे पैरों में फंसा के निकालना था। आप भी मानते हो जी ये काटती हूं इतनी स्पीड। अब तभी तो मैं सोच रही थी क्यों से बोल रही निकालती हूं। मैं एक बार थी कब की मिनट से करी जा रही है। आओ मेरे को बोल दो, मैंने पैरों में मेहंदी लगाई हुई थी पहले इसलिए नहीं खोला मैंने। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि मेरी बाजू पे अच्छे खासे हेयर है और अच्छी खासी ग्रोथ है, हेयर भी थिक है। तो इनको अगर वैक्स करें या फिर रेजर करें तो आप लोगों को पता है कितना पेन होता है। सो एक कंपनी है अर्बन योग करके, दिख रहा होगा मैं भी आपको कैमरे में, उन्होंने हमें ये स्प्रे भेजा है जो कि बिल्कुल ही पेनलेस है। इस स्प्रे को लगाने के बाद उन्होंने बोला था कि 3 से 4 मिनट आपको रखना है, अगर किसी के बाल ज़्यादा थिक है तो 5 से 6 मिनट भी रख सकते हैं।
उसके बाद आप लोग कॉटन के पैड से इसको साफ करोगे और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारे बाल बिल्कुल निकल जाएंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगी, पहले मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। तो गाइस अब आपने देखा ये मैंने यूज कर लिया, मुझे इसी तरीके से इसको 3 से 4 मिनट रखना है, उसके बाद मैं आपको बाकी रिजल्ट बाद में दिखाती हूँ। तो ये मुझे अभी लगाए 4 मिनट हो गए थे और जैसा उन्होंने बोला था कि कॉटन के कपड़े से इसको साफ करना है, बस पानी नहीं यूज करना, सिंपली कॉटन का कपड़ा लेके इस तरीके से उसको साफ करना है। और देखो ये मेरे हेयर्स अपने आप निकल रहे हैं। तो गाइस ये आप मेरी स्किन देख सकते हो जिस पे मैंने वो यूज किया स्प्रे, और ये ऊपर का स्किन है और इससे ये बिल्कुल ही पेनलेस है और स्मेल भी कोई स्मेल भी नहीं है। और 3 से 4 मिनट में मेरे बाल बिल्कुल पूरी तरह से निकल गए थे, बाल तो निकले ही निकले, इवन कि जो मेरी डेड स्किन थी ना नीचे वो भी निकली है, वो भी रिमूव हुई है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग इसको अमेजोन से बाय कर सकते हो, ये अर्बन योग करके हेयर रिमूवल क्रीम स्प्रे। क्या बोल रहा है? पहले बता मुझे, समझ नहीं आई तू क्या करेगी? चल ए, तुमने मारा कैसे? मार दिया, ठीक है। और आधे ने मुझे ना शिकायत की थी, कहते मम्मा ने मुझे मारा, प्लीज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसे मारो, और ये अपनी ड्यूटी पे लगे हुई है। कब से कह रहा हूँ बस करो यार, क्या बना रही है तू? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो जिस दिन के लिए हम इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, फाइनली वो दिन आ गया है। आज करवा चौथ है और हम लोग अभी सुबह 3:30 उठे थे, 10-15 मिनट हुए हैं अभी उठे हुए। तो अभी नहा रहे हैं, नहाने के बाद सरगी बनाएंगे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। अभी जस्ट उठे हैं, नहा के फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज मैं अभी नहा के बस आई हूँ बाहर, तो मैं जल्दी जल्दी सरगी बना लेती हूँ। मानसी इतना नहा रही है, क्योंकि घर पे होते थे तो सास ससुर देते थे, सास बना के देती थी सरगी, तो अब हमें खुद इंडिपेंडेंट हो गया, अलग रहने लग गए हैं तो खुद बनानी पड़ती है। तो अभी बस मैं उसी की प्रिपरेशन करने लगी हूँ। तो गाइज मैं भी अभी नहा के आ गई हूँ, रूप नहा चुकी है। हमारे में नहाना और हेड वॉश पहले ही कर लेते हैं, मतलब जब हम 4 बजे उठते हैं उसी टाइम हमने हेड वॉश भी कर लेना और नहा भी लेना। और थोड़ा थोड़ा हमने जो सामान लेके आया है अपना श्रृंगार का, वो सारा अभी से लगा लेना है, चूड़ा वगैरह भी पहन लेना। अभी खाना बनाया है, वो खाना बना रही थी, मैं इतने नहा रही थी, अभी हम खाएंगे उस पहले पहनेंगे, और उससे पहले भी शायद एक और भी रीत है करुए जो होते हैं वो भरने हैं, तो वो भी रूप भरेगी और फिर उसके बाद हम कुछ खाएंगे और पूरा श्रृंगार जो भी है हम सामान लेके आया मेकअप का वो पूरा लगाएंगे। तो ये मानसी लगी हुई है अभी रोटी बनाने, क्योंकि हमारे में क्या होता है सुबह सुबह रोटी खाते हैं, चाहे एक खा लो चाहे दो खा लो, जितनी आप खा सकते हो उतनी। तो रोटी बना रहे हो और इधर हमने बनानी है अभी सेवियां, क्या बोलते हैं मानसी उनको? फेनिया। तो वो बनाएंगे, दूध बॉइल कर दिया है बस। अब जो, जो करवा चौथ था ये तो मैक्सिमम सबके उसमें होता ही है, जो फेनियों वाला होता है ना कि सुबह फेनियां खाते हैं, वो तो सबके उसमें होता है, हमारे मेरे मायके में भी था, यहाँ भी है। हाँ तो तभी मैं बोल रही हूँ अभी बस फेनियां रह गई हैं बनानी, उसके बाद मेकअप करते हैं और फिर हम सरगी खाएंगे, है ना। पर मानसी का इस बार पहला करवा चौथ है, है ना। मुझे अब यहाँ से अपने वहाँ के तो इधर के तो मुझे बता दे क्या नहीं करवा दे, यहाँ का मुझे इतना बता दिए कि क्या है क्या नहीं, मैं आधी चीजें तो मैं भूल ही जाती हूँ क्या क्या करना है। चल अब जल्दी जल्दी करते हैं इससे पहले कि कहीं तारों की छाए ना निकल जाए। तारों की छाओ में हाँ, जो भी खाना है तारों की छाओ में खा सकते हो, तभी बोल रही हूँ चलो जल्दी जल्दी करते। और अब वो चली गई है क्या करना, बस कुछ नहीं। अब जैसे एक सुहागन तैयार होती है वैसे हमने एक बार तैयार होना है सुबह सुबह, उसके बाद हमने सरगी खानी है। और मानसी का तो ये वाला पहला करवा चौथ है, सो देखते हैं अभी इसका एक्सपीरियंस कैसे रहता है। अभी मेरा यहाँ पे फर्स्ट, मैं शादी से पहले भी रखती थी ये, पर शादी के बाद मेरा पहला है, तो अभी देखते हैं क्या। और उससे पहले मेरे को इस चीज का भी डर है कि मेरे को वो जो स्टोन का दर्द होने लग गया था 3-4 दिन पहले,
मैंने दवाई भी मंगवा ली है, मैं साथ के साथ बिना दर्द के ही दवाई भी खा लूंगी ताकि मेरे को दर्द भी ना हो। और हमारी मेहंदी देखो इतने हाथी काले हो चुके हैं पूरे, एक काला हो गया तो दूसरा फिर वो थोड़ी लेट लगाई ना, एक तो बिल्कुल एक हाथ तो बिल्कुल काला हो चुका है और दूसरा हमने रात को लगाई थी वो अभी कलर आएगा, उसका कलर एक्चुअली थोड़े टाइम के बाद आता है। अभी मैं जल्दी मैं तैयार होती हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मुझे पूजा करनी है और देन मैं सरगी खाएंगे फिर हम लोग। ट्राई कर लूँगी, ठीक है, ओके। तो ये हम करवे लेके आए थे, ये अभी ही ये आपको स्टोरी रूप बताएगी क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है क्या। अभी ये भर के रख रही है इनको, और ये सुबह ना सर्दी खाने से पहले ना इनको भर के रखना होता है, उसके बाद ही हम सर्दी खाएंगे। जो भी हमने फ्रूट वगैरह रात को पूजा मतलब शाम को जो पूजा होती है कथा हुई थी उसमें यूज करने है ना, तो वो भी इनके ऊपर रख के किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे कोई भी इनको छुए ना, झूठे हाथ ना लगाए, तो वहाँ पे अभी इनको रख देना है। उसके बाद फिर हम ये अब हम जब रात को व्रत उतारेंगे हाँ, तो यही मतलब जो यही पानी भरा हुआ है अच्छा यही पानी रख देंगे और इसी से देते हैं, और पीने के लिए हम मतलब दूसरे उसमें ले लेते हैं। तो अब जो दीपक लाए थे वो भी इसके ऊपर रखने हैं? नहीं वो नहीं रखने, नहीं वो हम शाम को जब कथा सुनेंगे उस टाइम जलाने, ठीक है, उस टाइम उनको जगाएंगे। अभी हम इनको सेफ जगह रख देंगे जहाँ किसी का हाथ ना पहुँचे। और हम दोनों ने ही मेकअप भी कर लिया थोड़ा थोड़ा, अभी तो बिल्कुल हल्का हल्का किया हमने, कुछ लिपस्टिक बिंदी सिंदूर लगाया जस्ट, और अपने चूड़े भी पहन लिए हैं जो न्यू लेके आए थे। बाकी हम जो सर्दी खाने के बाद सुबह जैसे बाकी नॉर्मल लेडीज करती हैं उठने के बाद वैसे हम तैयार होंगे। तो गाइस ये है हमारी सर्दी, हमने ये फेनियाँ बनाई हैं और सब्जी है रोटी है जो भी मतलब जिसका जो मन करेगा जितना वो खा सकता है उतना खाए। और इसके बाद बस अभी कितना टाइम मेरे ख्याल 4 बज चुके हैं, 4:30, 5 बज चुके हैं, तो बस अब हम लगे हैं खाना खाने, सर्गी खाने, फिर उसके बाद देखते हैं बाकी आपके साथ व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। अभी हम लोग खाना स्टार्ट कर रहे हैं, खाना यस इसको सर्गी बोलते हैं ना, अभी हम लोग सर्गी स्टार्ट करने लगे हैं। और राधा के पापा और राधा दोनों बड़े मज़े से सो रहे हैं और हमने उनको उठाया भी नहीं क्योंकि ये भी रात लेट सोए थे। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम तीनों चैनल पे ही ब्लॉग डालेंगे, सो एडिटिंग करके बहुत ही लेट मेरे ख्याल से 1-2 बजे तो सोए हैं और 3 बजे हम उठ गए हैं। फिर हमने सोचा क्या उठाएंगे अब छोड़ो, अब वो सुबह ही उठेंगे। तो गाइज अभी बज चुके हैं 5:15 और हमने सर्गी वगैरह सब कुछ खा लिया, अब बस देखते हैं क्या करते हैं क्योंकि अब फ्री हो चुके हैं, नींद तो आएगी नहीं दोबारा से, ऐसे सोते भी नहीं हैं, तो बस बैठे हैं अब देखते हैं। सभी सो रखे हैं, उनको हम देख रहे हैं कि ये सोए हुए हैं। मानसी को ना थोड़ी टेंशन है कि कहीं इसका पेन ना शुरू हो जाए दिन में, कि इसको कॉल ब्लीडर में स्टोन्स है ना, इसलिए अभी वो दवाई ढूंढ रही है कि दवाई एक बार पहले ही खा लूँ, कहीं अगर दिन में मुझे कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं पहले ही प्रिपरेशन में रहूँ। तो अब दवाई ढूंढ रही है, थोड़ी दवाई खा लेगी ना फिर सही रहेगी पूरा दिन। तो सर्गी वगैरह हमारा सब कुछ डन हो गया, सर्गी वगैरह खाने के बाद कर दिया था ये, चल फिर से ले लेती हूँ। सर्गी वगैरह खाने के बाद अभी नींद तो आ नहीं रही थी, हम सोच रहे थे कुछ कर लेते, तो रूप कहती मैं अपना सुबह का काम ख़त्म कर देती हूँ, अभी वो झाड़ू लगाने लगी हुई है और बाकी सारे सोए हुए हैं। अभी ये भी उठ गए थे मेरी दवाई रख के, उन्होंने मैंने तो रखी थी अपनी मतलब जहाँ मेरे को लगता था कि मेरे को मिल जाएगी, ये रात को आए होंगे इन्होंने उसमें से कुछ खाया होगा, मेडिसिन ली होगी, तो इन्होंने कहीं और ही रख दी थी, मैं कब की ढूंढने लगी हुई हूँ, अब मेडिसिन खाऊंगी। सो गाइस अभी 9 बज चुके हैं, ये वाला ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे, यहीं से हम नया ब्लॉग शुरू करेंगे। ये वाला ब्लॉग आपने देखा होगा, इसमें कमेंट करना आपको क्या अच्छा लगा और हमारा हमसे अगर कुछ मिस्टेक हुई है वो भी बताना। और नया ब्लॉग आएगा सरी फैमिली पे कुछ ही टाइम के बाद आ जाएगा, आज ही आएगा, अपडेटेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।